हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो तीन नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोसिया है, 5 यहाँ पर, 5 इधर और 10 बैक साइड में। और स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं आर्म होल के नीचे। यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तीन चैन करने के बाद यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच के अंदर हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे और सेकंड रो में हम एक में एक और एक में दो डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट में दो में एक एक और थर्ड में दो डबल क्रोशिया। इस तरह से हम तीन राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं सिंपल घेरे के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिंपल घेरे के टोटल तीन राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करने के बाद तीन चैन हमने बना ली है। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारा ये 3 की चैन का काउंट होगा, दो डबल क्रोशिया हो गए। उससे नेक्स्ट में बनाया 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाया 5 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाया 6 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में बनाया 7 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। तो 8 में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8 में 8 डबल क्रोशिया। अब 9 में हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया, 9 में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहीं पर 6 चैन लेंगे, 3 4 5 6 और यहीं पर सेम प्लेस पर फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 9 में एक वी स्टिच आएगा, 8 में डबल क्रोशिया। फिर से देखिए, नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ 8 में हम 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे वी स्टिच वाले को। इससे नेक्स्ट से हम 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 8 में 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 9 में हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 चैन लेंगे, 3 4 5 6 और यहीं पर फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 9 में हमारा ये वी स्टिच आएगा इस तरह से। फिर से 8 में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 9 में पहले डबल क्रोशिया, फिर 6 चैन, फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया, वी स्टिच बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और देखिए 8 में हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ शुरू में भी हमने 8 बनाए थे, तो यहाँ पर हमारा एक बचा है 9वां। 9 में हम यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा लास्ट में भी वी स्टिच आएगा। अब देखिए यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे और इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे, एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। अब देखिए लास्ट में अगर आपके पास यहाँ पर एक दो कम ज़्यादा हों तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक में दो बनाए हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में एक कम रह रहा था तो हमने यहाँ पर इसको एक में ही दो बना लिए। इस तरह से आप एक दो को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये रो हमारी बनकर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम यहाँ पर फिरोजी कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए वी स्टिच के बाद जो हमारा ये स्पेस है, डबल क्रोशिए का स्पेस है, यहाँ पर सेंटर में आएंगे। अब हमें देखिए ये चैन स्पेस के अंदर काम नहीं करना, होल के अंदर वर्क करना है। इसके अंदर ऐसे लेंगे, सबसे पहले धागे में नोट लगाएंगे, और यहीं पर इसको सिंगल क्रोशिए के साथ ज्वाइन किया सबसे पहले,
सिंगल क्रोशिया हमारा एक चैन के बराबर होगा, तो दो चैन हम और लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट हुआ, फिर हम यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट होल के अंदर जाएंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट होल के अंदर जाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया के बीच में, और दो डबल क्रोशिया एक में ही हमें बनाने हैं हर एक में। देखिए यहाँ तक हम दो दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट में गए, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में गए, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, यहीं पर दूसरा। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट है वी स्टिच से पहला, तो यहाँ भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए हर एक स्टिच के अंदर हमने दो दो बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए वी स्टिच आ गया, इसके अंदर हम इस तरह से लेंगे एक डबल क्रोशिया दो, इसके अंदर हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए वी स्टिच के अंदर हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और जो दो डबल क्रोशिया है इनके बीच में यहाँ पर वर्क करना है, दो डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर हर एक यहाँ पर होल के अंदर हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर वी स्टिच के अंदर हम फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से वर्क को रिपीट करते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ से थर्ड चैन में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए हम पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बाद जो यहाँ पर होल है वहाँ से हम धागे को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नोट लगाई, जो ये धागे हैं इनको साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन चैन ली और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 12 डबल क्रोशिया के बाद जो होल है वहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए जो दो डबल क्रोशिया है उनके बाद जो स्पेस है यहाँ पर, दो डबल क्रोशिया के बाद हमें वर्क करना है, दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट दो डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है वहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये धागे हैं इनको भी हम साथ में हाइड करते हुए जाएंगे अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर दो डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है वहाँ पर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट दो डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से देखें दो डबल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। फिर नेक्स्ट दो के बाद वर्क किया,
देखिए यहाँ तक हमने जो यहाँ पर हमारे 12 डबल क्रोशिया स्टार्ट हो गए, यहाँ तक हमने दो दो के बाद हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जो 12 डबल क्रोशिया है उनके बाद हम एक के बाद वर्क करेंगे, एक डबल क्रोशिया के बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम प्लेस पर, यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट एक के बाद दो डबल क्रोशिया। जो 12 डबल क्रोशिया है उनमें हम एक के बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक एक का स्पेस देते हुए हम यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया के बाद एक एक के बाद हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए 12 डबल क्रोशिया के बाद जो यहाँ पर होल है, देखिए 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर हमारे ख़त्म हुए, तो यहाँ पर जो होल है वहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, दो बनाए। अब देखिए दो के बाद हम दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक बनाया और यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए 12 के बाद हमारे यहाँ पर टोटल चार डबल क्रोशिया बने हैं, देखिए 1 2 3 4, और इधर से भी हम देखें यहाँ पर हमारे यहाँ तक हमारे 12 डबल क्रोशिया है, तो 12 डबल क्रोशिया के बाद चार डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर गिनने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से यहाँ से ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर से भी हमने 12 के बाद चार डबल क्रोशिया लिए हैं, दो दो का पेयर है जो हमने बनाया हुआ फोर्थ डबल क्रोशिया, और इधर भी 12 के बाद जो हमने चार डबल क्रोशिया बनाए हैं, दो दो के दो पेयर बनाए हैं, तो उनके ऊपर से हमें ऐसे लेना है और यहाँ से क्रोशिया हुक डाला हमने फोर्थ डबल क्रोशिया से, और जो यहाँ पर हमने ये धागा ऐसे ही छोड़ दिया था इसको हम इस तरह से लेंगे और ऐसे यहाँ से निकाल देंगे, देखिए इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद देखिए नीचे से इसको इस साइड कर देंगे, एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया है, दो डबल क्रोशिया के बाद एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, फिर से सेम उसी तरह से रिपीट करना है, दो के बाद दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के अंदर जाएंगे दो डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में जाएंगे दो डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो के बाद फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और दूसरा डबल क्रोशिया, फिर दो के बाद आया दो डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, अब देखिए 12 डबल क्रोशिया की पहले होल आया, यहाँ पर भी दो बार बनाएंगे। अब देखिए फिर से हमारे 12 डबल क्रोशिया आ गए, तो 12 डबल क्रोशिया में हम एक एक के स्पेस के बाद दो दो बनाएंगे, देखिए एक डबल क्रोशिया के बाद हम दो डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक के बाद फिर से हम एक स्किप किया और यहाँ पर बीच में दो डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरह से 12 के अंदर हम एक एक के बाद दो दो डबल क्रोशिया बना लेते हैं, एक बनाया और यहीं पर दूसरा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 12 के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं एक के बाद, अब देखिए 12 के बाद जो स्पेस है दो स्पेस में हम वर्क करेंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे दो का पेयर, देखिए दो यहाँ पर बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, 12 के बाद टोटल हमें चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो हमारे यहाँ पर बने और दो यहाँ पर बनेंगे,
देखिए एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। धागे को इस तरह से लंबा कर देंगे चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद, और इधर से हम ऐसे देखेंगे। देखिए 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर हमारे ख़त्म हो गए, तो उसके बाद दो पेयर हमारे यहाँ तक बनेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया बने। तो चार का हमारा जो ऊपर वाला डबल क्रोशिया है, फोर्थ डबल क्रोशिया, उसके यहाँ से देखिए ऐसे क्रोशिया हुक डाला और इसको ऐसे कर लेंगे, और जो ये हमने यहाँ पर धागा छोड़ा है देखिए, उसको ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, और एक चैन लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये फ्लावर बनते जाएंगे। एक चैन ली और फिर से नीचे से देखिए हम इसको ऐसे कर दिया साइड में, और नीचे से दो के बाद फिर से हम दो दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक हम दो के बाद दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो 12 डबल क्रोशिया है उनमें हम एक एक का स्पेस देते हुए बनाएंगे, और उसके बाद देखें 12 के बाद हम एक यहाँ पर पेयर बनाएंगे और एक यहाँ पर, उसके बाद फिर से हम इधर से लेके चार डबल क्रोशिया यहाँ पर फ्लावर बना देंगे, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है, और इसी तरह से रो को कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड तक आ गए हैं, और यहाँ भी हमने 12 डबल क्रोशिया के बीच एक एक के बाद दो दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी थर्ड चैन में जाएंगे हम और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे चार डबल क्रोशिया यहाँ तक होंगे, दो का पेयर ये है, दो का ये, तो यहाँ तक हम स्लिप स्टिच के साथ आ जाते हैं। तो फोर्थ डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं, और धागे को इस तरह से लंबा रखेंगे, और देखिए इधर से भी हम 12 डबल क्रोशिया के बाद ये दो डबल क्रोशिया, दो ये, तो चार डबल क्रोशिया के बाद यहाँ से हम धागे को ऐसे पिक कर लेंगे और इस तरह से जोड़ लेंगे। एक चैन ली और यहीं पर जाकर देखिए इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे, और एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट कर देते हैं। इस धागे को हम बैक की तरफ हाइड कर देंगे, और देखिए हमारी ये ड्रेस इस तरह से, देखिए सभी फ्लावर्स हैं जितने भी, हम इनको इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे, और इनके अंदर देखिए ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको, ये फैब्रिक ग्लू है, इसकी हेल्प से मैं इसको चिपका दूंगी और अच्छे से सेट करके इन पे एक एक पर्ल लगा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है, और सभी पर मैंने देखिए यहाँ पर चिपका कर इनको पर्ल, एक एक पर्ल अटैच कर लिया है, और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।